एक काम ढंग का नहीं करते हो तुम, कम से कम कुछ काम तो ढंग के कर लिया करो। अरे तू रहने दे, तुझे रोज नए नए बहाने चाहिए लड़ाई करने के, आज के बाद तुझे कोई मौका ही नहीं दूंगा लड़ाई का मैं। अमेजिंग। अरे आप रहने दो, तुम्हारे मौके की मोहताज हो गया मैं। मैंने ना एक फैसला लिया है कि आज से बाद में ना मैं आपसे कभी लड़ाई नहीं करूंगी। ओके। अरे वजह तो पूछो। मुझे ना पूछनी भैया, तू फिर से लड़ बैठेगी। अच्छा एक बात बताओ, शादी के बाद ये लड़कियां श्रीमती क्यों बन जाती हैं? जब भगवान हम जैसे सीधे साधे लड़कियों की मति हर लेता है ना, तो तुम जैसी लड़कियां श्रीमती बन जाती हैं। मैं कह रहा था कि आज घर के सारे काम निपट गए, तो क्या तुम मेरे साथ लूडो खेलोगी? तुम भी कमाल करते हो, जब मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल सकती हूँ तो लूडो क्या चीज है। बात सही है। अब मुंह क्या देख रहे हो, लगाओ, पर नीली वाली गोटी मेरी रहेगी। हाँ बताओ क्यों बुलाया, बर्तन धोने को पड़े हुए। पहले अंदर आओ। हाँ बोलो। मुझे गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट चाहिए, क्यों? मेरा मन कर रहा है, बस मुझे दो। अच्छा बताओ क्या चाहिए। जो किसी भी लड़की के पास ना हो वो। पागल हो गई है क्या, रात के 9 बजे मैं मार्केट में दिमाग कहाँ से ढूंढूं? सुनो, 4 दिन हो गए हैं मम्मी पापा को आए हुए, ये सारे रिश्ते नाते इसी फोन से जोड़ लिए हैं, बैठे रहते हो इसी में घुसे हुए, कभी उनके पास बैठ के भी बात कर लिया करो। मुझे तो बड़ी आसानी से कह देती हो, खुद देखा तुमने कितना बैठती हो, तुम कितना टाइम देती हो। मैं ना बच्चों के साथ बिजी रहती हूँ, पूरे दिन घर के 10 काम होते हैं मेरे सिर पे, वो करने होते हैं, और वैसे भी जब मुझे टाइम मिलता है ना मम्मी के साथ बैठ के बहुत बातें करते हैं हम, और तुम्हें दिखाई नहीं देते तो मैं क्या करूँ इसमें। एक मिनट, जब से मम्मी आई है ब्रेकफास्ट और लंच तो मम्मी बना रही है, उनके हाथों का खाते हैं हम। बाकी तुम्हारे पे भाई अपने काम होंगे कुछ जिनमें तुम बिजी रहती हो। ये तो हमारा सौभाग्य है कि माँ के हाथ का बना खाना मिल जाता है, मेरा भी तो मन करता है कि मुझे भी बैठ के खिला दे यार, बहुत अच्छा लगता है वैसे जब मम्मी बना के खिलाती है ना। तो भाई उनका भी तो ऐसे ही मन करता होगा ना आकांक्षा, कि उनकी बहू उन्हें लजीज व्यंजन बना के खिलाएगी। उनका भी तो मन है ऐसा है, मम्मी पापा से ना मेरी अपनी ट्यूनिंग है जो कि बहुत अच्छी है, तुम अपना फर्ज निभाओ। तो तुम्हारी ट्यूनिंग तो बढ़िया रहेगी, इतने बढ़िया सास ससुर जो मिले हैं तुम्हें। ये तो मैं सबको कहती हूँ मेरे सास ससुर कितने अच्छे हैं, लेकिन कुछ क्रेडिट तो मुझे भी दे दो ना, मेरे में भी तो कुछ अच्छाई होगी ना। अच्छाई तो तुम्हें कूट कूट के भरी हुई है, तभी तो बेमतलब बेवजह की बातों पे कभी भी मन चाह तुम मुझसे लड़ लेती हो, इससे बढ़िया क्या बात है। और तो यार फ्रस्ट्रेशन भी तो कहीं ना कहीं निकालनी पड़ेगी ना, बैलेंस बना के रखना होता है, ज्यादा अच्छाई भी ठीक नहीं होती है ना। तो सारी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे ही निकलेगी क्या? थोड़ी बहुत ही फ्रस्ट्रेशन अपने भाइयों पे भी निकाल लिया करो यार, फोन करके, दो दो भाई है तुम्हारे। अच्छा तो तुम्हारा मतलब है मैं उन्हें ओवरलोड कर दूं? ओवरलोड? हाँ क्यों यार, मेरी भाभी ने उनकी लाइफ पहले ही झंड कर रखी है ना। उठे नहीं अभी तक, उठ के चले जाओ उनके पास यार, हद कर दी, इतना बोलने के बाद ही समझ में नहीं आया है। अरे जा रहा हूँ भाई, इससे बढ़िया तो वहीं बैठ लूँ बेचारी की मम्मी के पास, इतना अच्छा खाना खिलाती है मुझे, इतना